वेलकम टू एसजी इंसेप्शन, दिस इज कर्नाटका एक्वेरियम और हमारे साथ है कर्नाटका एक्वेरियम के ओनर मिस्टर सैयद। तो सैयद भाई कैसे हो आप? भाई ठीक हूँ भाई। तो भाई पहला वीडियो में हमने आपका पूरा एक्वेरियम फिशेस का स्टॉक दिखाया, उसके बाद में आपका टर्टल्स का स्टॉक दिखाया। हमारे बहुत से व्यूवर्स को आपका स्टॉक पसंद आया है। इस वीडियो में हम कुछ अलग दिखाने वाले हैं एंड मैं पहली बार किसी शॉप में ये चीज़ दिखाने वाला हूँ। और साथ ही में ये चीज़ दिखाते हुए हम लोग लोगों के मन में जो डर है, जो मिस इन्फॉर्मेशन है, अवेयरनेस भी नहीं है इसके बारे में, वो दूर करेंगे। इनको कैसे रखा जाता है, कैसे पाला जाता है, वो हम लोग बताएंगे। जिस तरह से लोग डॉग्स पालते हैं, जिस तरह से कैट्स पालते हैं, इनको भी हम लोग उसी तरह से राइट वे में अगर पाला जाए तो हम लोग रख सकते हैं इनको। मैंने एक कहावत पढ़ी थी कि अगर इंसान के बच्चे को और अगर कुत्ते के बच्चे को, दोनों को अगर हम लोग ठीक से रेज नहीं करेंगे तो दोनों आगे जाकर बड़े होकर बहुत ही ख़तरनाक बन सकते हैं। वो चीज़ इनमें भी एप्लीकेबल है। तो जिस तरह से हम लोग रेज करते हैं, जिस तरह से हम लोग इनको ब्रॉटअप करते हैं, वो सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है। नहीं तो सारे लोग बस इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा देते कि ये चीज़ ऐसी है, वो चीज़ ऐसी है, पर देखती नहीं कि आप इनकी अपब्रिंगिंग कैसे कर रहे हो, उनको कैसे रेज कर रहे हो। तो वो चीज़ मैं कर्नाटका एक्वेरियम में मेरे चैनल के माध्यम से, प्लेटफॉर्म से लोगों के बीच में ये अवेयरनेस क्रिएट करना चाहूँगा विथ योर हेल्प। मैं बॉल पाइथन बताने वाला हूँ। अभी मेरे पास दो तीन वैरायटी के बॉल पाइथन है, मैं वो आपको बताऊँगा जी, और इनके प्राइस भी बताऊँगा और इनको कैसे रखना है। पहली बात तो मैं ये बता दूँगा कि इनको कैसे रखना है और कैसे पालना है। देखिए, बहुत लोगों के मन में कन्फ्यूजन है पाइथन को लेके, कि रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, हमारे इंडिया में लीगल है या इलीगल है। सो ये रहे आपके सामने आज के कंटेंट के टॉपिक्स। सो भाई सबसे पहले क्या बताना चाहोगे इनके बारे में, कौन कौन से वैरायटीज़ के पाइथन है ये? देखिए, ये रॉयल बॉल है। रॉयल बॉल, हाँ, रॉयल बॉल पाइथन। ओके, बेहद खूबसूरत है। उसके बाद में और मेरे पास है पेस्टल बॉल। यह है पेस्टल बॉल, हाँ, पेस्टल बॉल पाइथन। ऑलराइट, और यह है मेरे पास डेजर्ट गोश्त। ये डेजर्ट गोश्त की फीमेल है। ओके, बेहद कमाल के पैटर्न्स हैं इनके बॉडी के ऊपर और शाइन भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से इनको रखा गया है। सो भाई शुरू करते हैं, फिर सबसे पहले क्या बताना चाहोगे आप इनके बारे में? भाई वैसे तो मैं कुछ इनके बारे में बताना नहीं चाहता हूँ जी जी। मेरा मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जैसा आप देख सकते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि ये इलीगल है जी जी जी, ये बैंड है, इसको आप पाल नहीं सकते जी जी। ये एक्चुअल में पाइथन नहीं है, ये टॉय स्नेक है। ओके, ये टॉय स्नेक है। अच्छा, ये ना आपको काटेगा ना इससे कुछ हार्म है। ओके, तो ये टॉय स्नेक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीगल है, 100% लीगल है, इसमें पाल सकते हैं। बहुत सारे मेरे पास भी पाइथन है जी जी जी। तो ये कंफ्यूजन एक्चुअल में 1-1.5 साल पहले भी हो गया था बहुत लोगों को। अभी तो बहुत लोग मेरे से लेके पाल भी रहे हैं जी जी जी। आप जैसा देख सकते हैं, मैं तो ओपन शॉप पे भी रख के इनको सेल करता हूँ जी। क्यों बोले तो ये लीगल है, 100% लीगल है। अभी इनका लीगलाइजेशन भी अप्रूव हो गया है। ओके, जिस जिस के घर पे पाइथन है वो लीगल रख सकता है। ओके, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सो भाई हमारी बातचीत हुई थी कि आपको आपने मुझसे बात की थी, मुझे बताया था कि आपको इंडिया में ये हॉबी बढ़ानी है। हाँ, लोगों का जो डर है वो निकालना है। लोगों है। को ऐसा लगता है कि पाइथन्स पालना मतलब एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। हाँ, मैं भी व्यूअर्स को हमारे बताना चाहता हूँ कि मैं भी इसको टच कर रहा हूँ। सो कुछ ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। और जो लोग डरते हैं, नहीं तो लोग ऐसे सोचेंगे कि मैं बस वीडियो पर्पज़ के लिए ही, वीडियो के लिए इनको इनको शो कर रहा हूँ, इनको दिखा रहा हूँ। बट आई एम योर, सो ये जिस तरह से डॉग्स होते हैं, पेट्स होते हैं, उसी की तरह एकदम नॉर्मली पीसफुल नेचर के होते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली सैयद भाई, हम इनको कैसे रखते हैं, कैसे इनको पालते हैं, उसके ऊपर डिपेंड होता है, राइट? तो
क्या बोलना चाहेंगे, कैसे रखना चाहिए इनको? इनके लिए इजी इंक्लूजर है जी जी, एक ये ज़्यादा स्पेस इनको ज़रूरत नहीं है okay. इनके लिए ज़्यादा स्पेस की कुछ ज़रूरत नहीं है। आप अगर छोटे से इंक्लूजर में भी इनको रख रहे हैं जी जी, तो ये बॉल, ये एक्चुअल में ये बॉल पाइथन है जी। हम लोग अभी तो, देख सकते हैं कि जो मतलब जो शेप है बॉल की तरह, मतलब ये ऐसे कर रहे हैं, तो ये पूरा एकदम इतने से होके रहते हैं okay. ये इंक्लूजर में ओपन टाइप में नहीं रहते हैं okay. छोटे से इंक्लूजर में भी ये इतने टाइप में बॉल बन के रह जाते हैं okay. तो इनका इतना कोई इशू नहीं है, बस पीने के लिए हर वक्त पानी चाहिए इनको okay. और हीट मैट लगा रहना चाहिए, अगर वो नहीं है तो थोड़ा बहुत यूवी भी दे देना चाहिए। अच्छा हाँ, बस काफ़ी है इनके लिए। ये बहुत इजी मेंटेनेंस है और फीड भी वीकली वंस ही लेते हैं ये okay. डेली डेली फीड खाते नहीं है। अच्छा, छोटा सा फीजिंग माइस आता है वो डाल देंगे, वो काफ़ी है ओके okay. तो इनका इजी, बहुत इजी मेंटेनेंस है इनका। एट प्रेजेंट भाई इनकी क्या साइज़ है भाई? एक एक अलग अलग साइज़ है, देखिए आप इनको, इसको देख सकते हैं, 2 फुट का है, 2 फुट का ही है, 2.5 फुट का, हाँ 2.5 फुट का है ओके okay. तो और ये पेस्टल बॉल जो है वो 3 फुट का है। अच्छा, 3.5 फुट का है पेस्टल बॉल ओके okay. और ये जो डेजर्ट गोश्त है ये 4.5 फुट की है। अच्छा हाँ, ये फुल्ली ग्राउंड है, ये अडल्ट पीस है okay. ये इससे ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, ये फुल्ली ग्राउंड है okay. और इनकी कैसी मैक्सिमम साइज रीच हो जाती है? ये मैक्सिमम इनकी जो साइज जाती है वो 6 फुट तक, 6 फुट तक ओके। और एज का तो मैं बता दूँ 35 to 40 years ओके राइट। और इसमें अलग अलग पाइथन आते हैं तो उनकी भी अलग अलग एज होती है ओके okay. इनका जो रेगुलर एज है वो तो 35 to 40 years तक जाती है ओके okay. और इसमें मेरे पास अभी रॉयल बॉल में भी अवेलेबल है। अच्छा, बेबीज भी मिल जाएंगे, प्री ऑर्डर करेंगे वो भी मिल जाएंगे। अच्छा, इनकी भी डिलीवरी भाई ऑल ओवर इंडिया पॉसिबल है? ऑल ओवर इंडिया कराता हूँ। अच्छा, एक भाई आज के डेट में अभी भी लोगों के मन में जो इनके रिगार्डिंग जो गलत मिस इन्फॉर्मेशन है, हम लोग बोल सकते हैं कि ये खुलेआम सेल करना या खुलेआम रखना गलत है, इलीगल है, वैसे तो आपने बता ही दिया, बट इस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आप कुछ उनको बोलना चाहोगे कि जो लोग ऐसे सोचते हैं कि इनको हम लोग ना कि सेल कर सकते ना कि इनको घर में रख सकते, ये पूरी तरह से गलत है या इलीगल है, वो उसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे? भाई मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, बुरा मत मानिए, आपके व्यूवर्स को भी बुरा लगेगा जी, जो इनसे डरते हैं जी जी वही बोलेंगे कि इनको इलीगल है जी जी। जो इसमें हॉबीस्ट में अगर टॉप रहेंगे जी जी जी, ऑब्वियसली इसको लेके पालेंगे जी जी, ये सोचेंगे कि भाई ऐसा अलग सा जानवर हमारे घर पे भी रहे जी। देखिए पहले तो एंटरटेनमेंट के लिए प्लीज मत रखिए जी, ये एंटरटेनमेंट के रखने के लिए चीज है नहीं जी जी। ये इसको हॉबी मतलब एक शौक बोलते हैं कि अलग शौक रहना चाहिए, इसको ऐसा शौक रख सकते हैं जी 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 जी। जिसके पास भी पैसा है बहुत सारे पाइथन वो लेके रख भी लेगा जी जी जी। लेकिन इसको टेक केयर भी वैसे ही करना पड़ेगा जी जी जी। मेरा अभी ये कॉन्सेप्ट है कि इंडिया में इसका कुछ क्रेज बढ़े, जैसे आप बैंकॉक मलेशिया थाईलैंड में देखेंगे जी जी, सब घर पे भी मिल जाएगा, जैसा हमारा फिश मार्केट आता है वैसा इनका भी मार्केट आता है जी जी जी। तो इन सब के शो वगैरह चलते हैं उधर, हमारे इंडिया में अभी तक इसका कुछ इतना क्रेज नहीं बढ़ा है जी जी। तो मैं ये क्रेज बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ, आपके व्यूअर्स भी कुछ हेल्प करेंगे और आप कुछ हेल्प करेंगे तो इंशाल्लाह। श्योर, मैं तो इनका दीवाना हुई पर कभी मौका नहीं मिला कवर करने के लिए। एक रेस्क्यू सेंटर में मैंने कवर किए थे अल्बाइनो और बर्मिज पाइथन्स, बहुत बड़े साइज के, बट उसके बाद मेरे ख्याल से इसी महीने में पिछले साल मैंने कवर किए थे और इसी महीने में दोबारा मतलब मुझे मौका मिला है जी जी। मुझे भी बहुत इनका शौक है, क्रेज है, और ये मैं हमारी व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ कि किसी भी मतलब हॉबी को जज नहीं करना चाहिए। किसी को डॉग्स रखना पसंद है, किसी को कैट्स रखना, किसी को फिश रखना पसंद है। कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि डॉग्स जो होते हैं वो डरावने होते हैं, काटते हैं, ऐसे वैसे बोलते हैं, बट कुछ कुछ लोग बहुत अटैच्ड होते हैं अपने पेट डॉग्स से, तो उसी की तरह स्नेक्स भी है। नेचर ने सभी पेट्स को, सभी एनिमल्स को इक्वली बनाया हुआ है एंड वी हैव नो राइट टू जज एनी एनिमल और एनी पेट, तो उसी के तरह से पाइथन्स भी है। बहुत से लोग डरते हैं और जज करते हैं कि ये गलत है, इनको रखना नहीं है, बट जैसे लोगों को बिना जानकारी के जज करना बहुत बड़ी गलत है। सही बात है, पहली बात तो जैसा अभी पाइथन को बैंड बोलते हैं जी जी जी, बिना जानकारी के जज करना वो भी बैंड है। सही बात है, पहले इनके बारे में जानकारी कर ले तब जज करेंगे तो कुछ समझ आएगा जी जी। एक्चुअल में ये मेरे पास जो अभी पाइथन्स आपको दिख रहे हैं
ये पूरा रजिस्टर्ड है। ओके रजिस्टर्ड, ओके हाँ रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट की नजर में, ये पूरा लीगल है। ओके अगर इसके डॉक्यूमेंट चाहिए तो मैं हाफ एन आवर टाइम देंगे तो घर से लेके आ जाऊंगा। ओके विद डॉक्यूमेंट रखता हूँ मैं। ओके अगर किसी को कुछ ऐसा पाइथन खरीद रहे हैं मेरे से जी, तो उनको कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए तो डॉक्यूमेंट वगैरह भी मैं बना के दे दूंगा। अच्छा हर एक पेट का बना के दे दूंगा, लेकिन उसके लिए 5000 रुपीज अलग से चार्ज होगा, वो मेरे लिए नहीं जो बनाएगा उसके लिए। ओके ऑलराइट। तो भाई लास्ट इम्पोर्टेंट बात, प्राइस, इनका दाम क्या प्राइस है इनका? इसका देखिए भाई डेजर्ट गोश्त का 55,000 रुपीस है इसका, इसका डेजर्ट गोश्त पेस्टल बॉल, पेस्टल बॉल। ओके 55,000 रुपीस, 55,000 रुपीस है। ओके और ये बच्चा आएगा 55,000 रुपीस में, बस ये मैं शो कर रहा हूँ। ओके और ये रॉयल बॉल आएगा 25,000 में। ऑलराइट रॉयल बॉल का बच्चा आपको 12 से 15 इंच का बच्चा आएगा। ओके वो 25,000 रुपीस में आएगा। ऑलराइट और ये डेजर्ट गोश्त है, डेजर्ट गोश्त को वैसे बहुत रेयर पाया जाता है जी जी जी, इसका मैं 75,000 रुपीस में ईच पीस दे रहा हूँ बच्चे का। ओके और इसमें बहुत सारे मेरे पास म्यूटेशन आते हैं, जैसे अल्बाइनो बॉल पाइथन हुआ, डेजर्ट गोश्त हुआ जी जी, और स्पाइडर बॉल आता है मेरे पास जी जी जी, बहुत सारे पाइथन वैरायटी आते हैं, जिसको भी चाहिए तो वो मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। सो भाई मान लीजिए किसी को फर्स्ट टाइम परचेज करना है, पहली बार जो रख रहा है बच्चा, अगर आपसे लेता है तो उसे किस तरह से बच्चे को रखना चाहिए कि वो प्रॉपरली डेवलप हो जाए, वो पूरा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा जो जो कस्टमर लेंगे उनको। देखिए पहली बात तो मैं अगर ऐसे यूट्यूब पे बता दूंगा जी 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 तो वो गलत आएगा, क्यों बोले तो हर एक स्टेट का टेम्परेचर अलग रहेगा। सही बात है, तो मैं उस जो भी कस्टमर खरीदेंगे मेरे से उन टेम्परेचर मतलब शहर कौन सा है जी जी, तो वो उस हिसाब से मैं उनको एक्सप्लेनेशन दूंगा। ओके मतलब जो आपसे खरीदेंगे आप सिर्फ उनको सेल करके नहीं दोगे, बस आप उनको उसके अलावा गाइडेंस भी करोगे। ऑब्वियसली वो किस तरह से रखना है, मैं इनको मारने के लिए नहीं दे रहा हूँ। सही बात है, पहली बात तो इनको मैं पालने के लिए दे रहा हूँ, टेक केयर करने के लिए जी जी, जब वो खरीद रहे हैं अडॉप्ट कर रहे हैं तो उसको वैसा टेक केयर करेंगे तो ही उसमें मजा है। मैं एवरी ईयर कस्टमर को कॉल करता हूँ कि जानवर कैसा है, एनिमल कैसा है, तो दे हैव टू टेक केयर, जब भी वो लेते हैं तो उनके लिए अच्छा टेक केयर लेना पड़ेगा वरना मत खरीद। सही बात है। सो एक बार नंबर बता दीजिए भाई आपका। मेरा नंबर है 709054-6647 और एक और नंबर है 709096-8459। ओके और बाकी दो नंबर है मैं वो आपको दे दूँगा। श्योर। सो वो नंबर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो ये एक कुछ अलग सा कंटेंट मैंने बनाया है कर्नाटका एक्वेरियम में, और मेरे ख्याल से कर्नाटका एक्वेरियम पहला शॉप है जिसमें मैंने पाइथन शूट किए हैं अदर देन द रेस्क्यूड वंस। बहुत मज़ा आया मुझे एंड मेरी भी ये हॉबी है, मुझे भी पसंद है, बट आज तक रखा नहीं हूँ मैं। आई एम श्योर कि सैयद भाई के कॉन्टैक्ट में आया हूँ तो बहुत जल्द रखने की कोशिश करूँगा। फिशेज का क्रेज़ है बट इनका भी क्रेज़ है, बट अभी तक कोई मुझे पहचान का मिला नहीं था जिनसे मैं मतलब खरीद के गाइडेंस लेके इनको अच्छे से रख सकूं, बट आई एम श्योर कि सैयद भाई अब मुझे बताएंगे इनके बारे में कि क्या करना है कैसे करना है। सो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा और आपको कुछ अलग जानकारी, कुछ अलग पेट आपको देखने में मिला रहेगा। और जिस तरह से इनकी ब्यूटी है, मुझे बहुत दुख होता है कुछ लोग जो जज करते हैं इनके ऊपर, मुझे तो मतलब बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं ये, एंड जिस तरह से डॉग्स होते हैं, जिस तरह से कैट्स होते हैं, कोई भी पेट है क्यूट वैसे ही ये भी होते हैं। और आपने देखा कि मैंने भी इनको बहुत टाइम में, जैसे कि यहाँ पे भी इसको टच कर रहा हूँ, एकदम नॉर्मली मैं टच कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा है ये, एकदम शांत स्वभाव है, पीसफुल स्वभाव है, आप देख सकते हो एकदम। सो क्या कहना चाहोगे भाई उन लोगों के लिए जो ऐसा सोचते हैं? देखिए भाई बहुत सारे, आप जैसा बाहर जाओगे जी जी, तो मतलब मैं इंडिया के बाहर की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, हमारे को भी पसंद आता है कि भाई हमारे इंडिया में ये है नहीं। सही बात है। तो मैं बस इतना ही थिंक करता हूँ कि हमारे इंडिया में भी रहे और मेरे पास भी रहे। जी मेरा जी जी। तो भाई ये बिजनेस नहीं, मेरा हॉबी है मेन पॉइंट। जी जी। सब लोग समझते होंगे कि मैं ये सब हॉबी करता हूँ, तो मेरा बस हॉबी पे इंटरेस्ट है। सही बात है। और मेरे पास बहुत सारे और भी रेप्टाइल्स आएंगे इंशाल्लाह, बहुत वैरायटी के रेप्टाइल लेके आऊंगा मैं, जी जो जी जी। रेयर इंडिया में रेयर म्यूटेशन है वैसा मेरे जी पास जी ब्रीड होने वाला है जी जी। तो मैं मेरी खुद की ब्रीड सेल कर रहा हूँ, मैं किसी से कुछ परचेज वगैरह कुछ नहीं करता हूँ। okay. मैं खुद की ब्रीड सेल करता हूँ। ऑलराइट। एक्चुअल में फीमेल देखेंगे आप, अभी ये प्रेग्नेंट है। ओके okay. अभी थोड़े बहुत दिन में अंडे दे देगी। अच्छा। इनको ऐसे प्रेग्नेंट टाइम पे भी पकड़ने से कुछ प्रॉब्लम नहीं है इनको। ओके
तो मेरे पास बहुत सारे रेप्टाइल आएंगे, मैं आपके यूट्यूब पे बहुत अभी बहुत जरूर बताने वाला हूँ। जरूर बहुत जी बहुत मजा आया भाई मुझे शूट करके। ऑनेस्टली फ्रेंकली बताना चाहूँगा, एक तरह से दिल की इच्छा भी मेरी पूरी हो गई कि इनको मैं शूट करके अपने चैनल पे डाल रहा हूँ। और आपने इनके लीगैलिटी के बारे में बताया कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है इनको रखना और इनको सेल करना, या इनको इनके बारे में मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो लोगों ने अफवाह फैलाई है, इनके ऊपर एक नेगेटिव इम्प्रेशन डाला है, ऐसी कुछ चीज़ें नहीं है। बहुत चीज़ों के ऊपर आपने रोशनी डाली है, मुझे अच्छा लगा आपसे मिलकर और ये पाइथन्स हमारे प्लेटफॉर्म पर शोकेस करके हमारे व्यूवर्स को दिखा के। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।